मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। G7 ममालिक के रहनुमाओं का यूक्रेन की हिमायत करने का अहद। कैनेडियन वजीर आजम की हिरोशिमा में यूक्रेन के सदर से मुलाकात। कैनेडा और G7 का चीन पर मौशी इन्हिसार कम करने के अपने इरादे का आदा। कैनेडियन आर्म्ड फोर्सेस की तैयारियां गलत मालूमात से निमटने के लिए नाकाफी करार। रिपोर्ट में कहा गया है कि कैनेडियन फौज को एक वसी तर स्ट्रेटेजिक प्लान की जरूरत है। मसले के हल में नाकामी ज्यादा अदम इत्मीनान का बाइस बन सकती है। कैनेडा में जंगलात में आग लगने के वाकयात, माहिरीन की ऑन्टेरियो में एहतियात बरतने की ताकीद। मौसमियाती तब्दीली, गर्म और खुश्क दर्जा हरारत गैर मामूली हालात पैदा कर सकते हैं। अमरीका और चीन के ताल्लुकात में बर्फ पिघलने की उम्मीद। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि चीन से ताल्लुकात जल्द बहाल हो जाएंगे, हम चीन से अलग होने की कोशिश नहीं कर रहे। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Canadian Wazir Azam Justin Trudeau ne Hiroshima mein Ukraine ke sadar Volodymyr Zelensky se mulaqat ki, jahan G7 mumalik ke रहनुमाओं ने यूक्रेन की हिमायत करने का अहद किया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने हिरोशिमा में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की, जहां G7 ममालिक के रहनुमाओं ने यूक्रेन की हिमायत करने का अहद किया। कैनेडा और G7 ने भी चीन पर अपना मौशी इन्हिसार कम करने के अपने इरादे का आदा किया है, जबकि खास तौर पर मुल्क से मदाखलत की सरगर्मियां ना करने का मुतालबा किया है। ट्रूडो और ज़ेलेंस्की मुलाकात के बाद बगल गिर हुए और मीडिया के सामने मुख्तसर रिमार्क्स दिए। इस मौके पर ट्रूडो का कहना था कि मुझे सिर्फ ये कहना है कि आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। ट्रूडो ने कहा कि G7 यूक्रेन के साथ इतना ही मजबूत है जितना कैनेडा। वजीर आजम ने कहा कि यूक्रेन पर भी उभरती हुई मईशतों के साथ अच्छी बातचीत हो रही है। यूक्रेन के सदर का कहना था कि आपको देखकर अच्छा लगा, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आपकी हुकूमत, कनाडा के लोगों का भी कि उन्होंने हमारा साथ दिया। हिरोशिमा जापान में अपने सालाना सरबराही इजलास के लिए जमा होने वाले रहनुमाओं ने हफ्ते के रोज एक मुश्तरका ऐलामिया जारी किया, जिसमें ट्रूडो की दरख्वास्त पर गैर मुल्की मदाखलत पर नई जबान शामिल थी। उन्होंने चीन को मुतनबा किया कि वो सिफारती और कौंसलर तालुकात को कंट्रोल करने वाले मुहायदों के तहत अपनी जिम्मेदारियों के मुताबिक काम करे और मदाखलत की सरगर्मियां ना करे, जिसका मकसद हमारी बिरादियों की सलामती और तहफ़ हमारे जमहूरी इदारों की सालमियत और हमारे इक्तिसादियात को नुकसान पहुँचाना हो। एक कैनेडियन एहलकार ने दस्तावेज की रिलीज से कबल मीडिया ब्रीफिंग के दौरान बताया कि ट्रूडो ने खास तौर पर यह मामला अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान के अपने हम मनसबों के साथ उठाया था। कायदीन जिन्होंने एक ऐसे शहर में मुलाकात की जो एक बार एटम बम से तबाह हो गए थे, उन्होंने भी सबके लिए गैर महदूद सलामती के साथ जौहरी हथियारों से पाक दुनिया के लिए काम करने का अजम किया। चीन के बढ़ते हुए असर व रसूख के दरमियान रहनुमाओं ने कहा कि वो इक्तिसादी जबर का मुकाबला करने और गैर मुनसिफाना तरीकों के खिलाफ खड़े होने के लिए मिलकर काम करके अपने आप को बचाने का इरादा रखते हैं। लेकिन ट्रूडो और उनके हम मनसबों ने दस्तावेज में ये भी कहा कि वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत के साथ तामीरी ताल्लुकात चाहते हैं और अपने इत्तेहाद को वसी करने की कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर
कनाडा ने उभरती हुई मईशतों और तरक्की पजीर ममालिक में लोगों की मदद के लिए नई सरमायाकारी का ऐलान किया। ऐलान करदा सैकड़ों मिलियन डॉलर मौसमियाती तब्दीली, तवानाई, खुराक की हिफाजत और खवातीन के मसाइल को हल करने की तरफ जाएंगे। फौज की रिसर्च ब्रांच के लिए तैयार की गई एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि कैनेडियन फौज की तैयारियां गलत मालूमात की रोकथाम के लिए नाकाफी हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। फौज की रिसर्च ब्रांच के लिए तैयार की गई एक नई रिपोर्ट के मुताबिक कैनेडा की मुसल्ह अफवाज मुकामी अदाकारों और गैर मुल्की मुखालफीन दोनों की तरफ से गलत मालूमात और गलत मालूमात फैलाने वाली मुहिमों से बचने के लिए खराब और नाकाफी तौर पर तैयार है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कनाडा के लिए तैयार रिपोर्ट में ये भी पता चला कि कैनेडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास गलत मालूमात का मुकाबला करने के लिए एक एडहॉक नुक्ता नज़र है और उसे मालूमात के ऑपरेशंस के लिए एक वसीतर स्ट्रेटेजिक प्लान की जरूरत है। रिपोर्ट ने तजवीज़ किया कि इस मसले को हल करने में नाकामी सफ़ों के अंदर ज्यादा अदम इत्मीनान का बाइस बन सकती है। कैनेडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए अराकीन को बरकरार रखना और पहले से ही संगीन भर्ती के बहरान को गहरा करना मुश्किल बना सकता है। 2016 के अमरीकी सदारती इंतखाबात के तनाजर में गलत मालूमात और गलत मालूमात की इस्तिलाहात अक्सर इस्तेमाल होती हैं और तारीफें मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन वसी पैमाने पर गलत मालूमात से मुराद गलत मालूमात हैं जो जानबूझकर बदनीयती पर मबनी किरदारों के जरिए फैलाई जाती हैं, जबकि गलत मालूमात से मुराद ऐसे लोगों की तरफ से फैलाई गई गलत मालूमात हैं जो उसे सच मानते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगरचे CAF के पास गलत मालूमात और गलत मालूमात को दूर करने के लिए अहम सलाहियतें हैं, लेकिन उसने ये भी तजवीज़ किया कि वो वसाइल बड़ी हद तक इदारा जाती ज़हनियत की वजह से इस्तेमाल नहीं किए गए हैं जो इंटरनेट से पहले की सर्द जंग में मजबूती से जुड़े हुए हैं। कनाडा के सूबे अल्बर्टा और ब्रिटिश कोलंबिया के जंगलात में आग के शोले भड़क रहे हैं। माहिरीन ने ओंटारियो में एहतियात बरतने की ताकीद की है, जबकि सूबे में जंगल में आग का मौसम करीब आ रहा है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा के सूबे अल्बर्टा और ब्रिटिश कोलंबिया के कुछ हिस्सों में आग के शोले भड़क रहे हैं। माहिरीन ने ओंटारियो में एहतियात बरतने की ताकीद की है, जबकि सूबे में जंगल में आग का मौसम करीब आ रहा है। माहिरीन का कहना है कि हम खुश किस्मत हैं कि हमारे पास अभी तक कोई खौफनाक सीजन नहीं है, और जबकि इस सीजन में हम बाद में आग की मजीद सरगर्मियां देखने के इम्कानात मौजूद हैं। हम पहले ही BC से उठने वाले धुएं की वजह से जंगल की आग से मुतासिर हो रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि लोगों को ये याद रखने की जरूरत है कि धुआं आग की सेहत के लिए वाकई बुरा हो सकता है, ना सिर्फ उन लोगों के लिए जो पहले से मौजूद हालात में हैं, हालांकि वो इससे बदतर मुतासिर हो सकते हैं, हत्ता के हमारे पालतू जानवर भी। हालिया दिनों में जनूबी ओंटारियो में कभी कभार देखा जाने वाला कोहरा सूबे में आने वाली चीजों की याद दहानी का काम करता है और तैयार रहने की जरूरत को तकवीत देता है। माहिरीन का कहना है कि कनाडा की एजेंसियों को इब्तदाई सीजन में लगने वाली आग के लिए बेहतर तौर पर तैयार रहने की जरूरत से हम आहंग किया गया है, ताकि मई में होने वाले इन वाकयात और मुमकिन बड़े आग के बोझ के लिए तैयार रहें। अगरचे जंगलात में आग हर साल होती है, ऐसे खदशात हैं कि मौसमियाती तब्दीली गर्म और खुश दर्जा हरारत के साथ ज्यादा अदम इस्तेहकाम और शिद्दत पैदा कर रही है। ओंटारियो की वजारत कुदरती वसाइल और जंगलात के अमले के मुताबिक अप्रैल के आगाज और अक्टूबर के आखिर के दरमियान जंगल में आग लगने का खतरा होता है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि चीन से ताल्लुकात जल्द बहाल हो जाएंगे। चीनी हम मनसब से मामलात पर संजीदा गुफ्तगू की उम्मीद है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि चीन से ताल्लुकात जल्द बहाल हो जाएंगे। चीनी हम मनसब से मामलात पर संजीदा गुफ्तगू की उम्मीद है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि इस साल अमरीका की जानिब से एक मुश्तबा चीनी जासूस गुब्बारे को मार गिराए जाने के बाद दोनों ममालिक के दरमियान मजीद कशीदा होने वाले ताल्लुकात बहुत जल्द मामूल पर आ जाएंगे। वाजे रहे कि रवां बरस फरवरी में वाशिंगटन के एक मुबैना चीनी जासूस गुब्बारे को मार गिराने के फैसले ने दुनिया की दो बड़ी मईशतों के दरमियान सिफारती तनाव को जन्म दिया था। G7 ममालिक के इजलास के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि अमरीका और चीन के ताल्लुकात में बर्फ पिघलने की उम्मीद है। हम चीन से अलग होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि ताल्लुकात को
फिर से मुस्तहकम और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। चीन और ताइवान के दरमियान कशीदगी के मामले पर अमरीकी सदर ने कहा कि अगर चीन ताइवान के खिलाफ यक तरफा कार्रवाई करता है तो ताइवान को अपने दिफा का हक हासिल है, हम ताइवान को इसलिए तैयार कर रहे हैं। सदर जो बाइडन ने इन इकदामात का दिफा किया जहां एक रोज कबल G7 मईशतों ने चीन को खित्ते में फौजी सरगर्मियों पर खबरदार किया था। उन्होंने कहा कि चीन अपनी फौज बना रहा है और इसीलिए मैंने वाज़े कर दिया है कि मैं चीन के साथ कुछ अशिया की तिजारत के लिए तैयार नहीं। उनका कहना था कि अब हमें अपने तमाम इत्तेहादियों से ये अहद मिला है कि वो भी ऐसा नहीं करेंगे और ना ही इस किस्म का मवाद फराहम करेंगे। अमरीकी सदर ने कहा कि लेकिन ये कोई मुखालिफाना अमल नहीं, ये एक ऐसा अमल है जो कहता है कि हम इस बात को यकीनी बनाने जा रहे हैं कि हम जमूद बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।